भगवान बुरहाट में पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर गरीबों की जुबान थे। वे गांव के गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के विकास के हिमायती थे। ये बात बिहार प्रदेश जदयू अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने प्रखंड मुख्यालय स्थित कॉलेज परिसर में शुक्रवार को जननायक कर्पूरी ठाकुर चर्चा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्ह पर चलते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में विकास की गंगा बहा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जुमलाबाजी वाली सरकार एवं पार्टी से बचें। जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश के अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों का अनुकरण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं को हक और सम्मान दिए हैं, महिलाओं को आरक्षण देकर सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने का काम किया है। कर्पूरी ठाकुर के सपनों को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री एकमात्र नेता है। उन्होंने जातीय जनगणना कराकर एक साहस का परिचय दिया है। वहीं सांसद कविता सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के साथ जो वादा किए थे वो पूरा भी किए हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने महिलाओं को सम्मान दिया है, बेरोजगारों को रोजगार दिया है तथा बिहार का मान सम्मान बढ़ाए हैं। सांसद ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश के लोकतंत्र को लहूलुहान कर दिया है, संविधान खतरे में है, सभी संवैधानिक पदों का दुरुपयोग किया जा रहा है। सभा की अध्यक्षता जदयू जिलाध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह ने तथा संचालन पूर्व जिलाध्यक्ष उमेश ठाकुर ने किया। सभा को पूर्व विधायक हेम नारायण साह, सत्यदेव प्रसाद सिंह, जदयू नेता अजय सिंह, इंद्रदेव सिंह पटेल, टुनटुन प्रसाद, प्रमंडलीय प्रभारी सतीश कुमार, जफर अली, निकेश तिवारी, संदेश महतो, आशुतोष सिंह आदि ने संबोधित किया। इस मौके पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। बिहार न्यूज प्लस से परवेज अख्तर की रिपोर्ट।